नमस्कार। हिंदी के शलाका पुरुष डॉक्टर नामवर सिंह नहीं रहे। बीती रात 11:50 पर उनका निधन हो गया। इस 26 जुलाई को 93 साल के भी हो जाते। ये एक भरी पूरी उम्र होती, फिर उन्होंने एक भरा पूरा जीवन जिया। इस जीवन में पूरा हिंदी समाज शामिल रहा, इसलिए उनके जाने को शोक का विषय मानना उनके समृद्ध भरे पूरे जीवन का अपमान होगा। लेकिन उनको याद रखने की बहुत सारी वजह है। आज के भागते दौड़ते मीडिया के इस दौर में शायद हम कम लोगों को एहसास होगा कि नामवर सिंह ने हिंदी समाज के लिए, हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी विचार के लिए कितना कुछ किया, समाज को कितना कुछ दिया। वो बहुत बड़े आलोचक रहे। छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद जैसी उनकी किताबें बार बार पढ़ी जाती हैं। उन्होंने छायावाद को देखने की एक प्रगतिशील दृष्टि दी। उन्होंने हिंदी वालों की नई कविता पढ़ना सिखाया। उन्होंने हिंदी को नए पाठ्यक्रम भी दिए। वे विश्वविद्यालयों में हिंदी का अभिमान से उठा हुआ माथा थे। वो ऐसे विद्वान थे जिनके आगे दूसरे अनुशासनों के विद्वान भी नतमस्तक मिलते थे। जब इंटरनेट नहीं था, तब गूगल पर सर्च करके सब कुछ जान लेने की सुविधा नहीं थी, तब ये नामवर सिंह थे जो हिंदी समाज में ज्ञान की जरूरत पूरी करते थे। वो ऐसे विद्वान नहीं थे जो किसी कमरे में बैठकर किताबें लिखा करते हों। वे सड़कों और शहरों की खाक छाना करते थे। सभी गोष्ठियों में, सभाओं में वो जाते थे। लेखक अपनी किताबों के लिए उनकी मुहर चाहते थे। वो एक नदी जैसे थे जिन्होंने हिंदी के खेतों, गांव, शहरों को सींचा। ये अनायास नहीं था कि आज उनको विदा करने हिंदी का पूरा संसार उमड़ आया। तो नामवर के साथियों की, नामवर के शिष्यों की बहुत बड़ी परंपरा रही। उनको लोग तरह तरह से याद करते मिले। नामवर जी साहित्य के आलोचक थे, लेकिन उसके साथ साथ वे एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल, एक लोक बुद्धिजीवी थे। शायद ही कोई दूसरा एकेडमिक व्यक्ति ऐसा हो जिसके व्याख्यान सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं और प्रभावित होते हैं। नामवर जी का एक और रूप था जिससे केवल मेरे जैसे भाग्यवान लोग परिचित हैं, और वो है अध्यापक का। नामवर जी एक अद्वितीय क्लासरूम टीचर थे। नामवर जी का की जो बौद्धिक जिज्ञासा थी वो उसी तरह थी जैसे रोमांटिक पोइट्स की रुचि हमेशा इमेजिनेशन में रहा करती थी। एक बहुत ही भरा पूरा जीवन उनका था, विचारों से भरा हुआ जीवन, नई चीजों को समझने का की ललक, उससे भरा हुआ उनका जीवन था। तो कुछ महीने पहले यानी 4 मार्च 2018 को इसी प्राइम टाइम में हमने डॉक्टर नामवर सिंह से बात की थी। यह ख्याल था कि हिंदी का संसार धीरे धीरे सूना होता जा रहा है और हम इस संसार की स्मृति को भी बचा नहीं पा रहे। कुछ ही अरसा पहले केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण जैसे दिग्गज कवि लेखक हमें छोड़कर जा चुके थे। ये बातचीत कोई पेशेवर इंटरव्यू नहीं थी, ये बस अपने बीच के एक विद्वान बुजुर्ग को उनके जीवन की शाम के अकेलेपन में देखने समझने की कोशिश थी। आज पूरे सम्मान के साथ हम वह बातचीत फिर से हिंदी संसार से साझा कर रहे हैं। उस बातचीत से पहले रवीश ने बड़ी संवेदनशीलता से नामवर जी का जिक्र किया है, हम उसे जस का तस पेश कर रहे हैं। मैं हिंदी साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, साहित्य से बहुत दूर भी नहीं हूँ और बहुत पास भी नहीं रहता, मगर इस बात का एहसास जरूर रहा कि हिंदी के पास दो ही चीजें श्रेष्ठ हैं, हिंदी भाषी मजदूर और हिंदी के साहित्यकार, यही हमारे हीरो हैं। अफसोस कि हिंदी माध्यमों की दुनिया ने कभी इनका महत्व नहीं समझा। पिछले दिनों जब कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह का निधन हुआ तो किसी के पास इन महान कवियों की अच्छी तस्वीरें तक नहीं थीं, जिन्हें ना जाने कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितनों की जिंदगी बदली होगी। हिंदी के समाज में पाठकों की कमी नहीं है, लेकिन जो हीरो है उसकी एक तस्वीर तक ना हो, यादें ना हो, ये अच्छी बात नहीं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना उन लोगों के पास चला जाए जिन्होंने पूरा जीवन हिंदी के लिए दिया। वे जब सक्रिय थे तब छात्रों की जमात उन्हें देखने सुनने को तरसती रही। आज जब वे अपने एकांत में ठहर से गए हैं तो उनकी बची हुई सक्रियता कैसी है? अपनी जवानी में हरहरा कर बहते हुए दरिया की तरह जीने वाले ये रचनाकार आलोचक उम्र के उस छोर पर पहुंचकर कहीं अकेले तो नहीं पड़ गए? मैं जब दिल्ली आया तो हिंदी पढ़ने वाले हर छात्र से नामवर सिंह के बारे में सुनता था। नामवर के बिना कोई चर्चा पूरी नहीं होती थी। इतनी सभाओं में, सेमिनारों में नामवर सिंह को देखता था तो सोचता था कि ये कितना बोलते हैं और लोग इन्हें कितना सुनते हैं, नामवर में ऐसा क्या खास है? आज भी ये जिज्ञासा मुझे गुदगुदाती है।
मैं नामवर सिंह का छात्र नहीं रहा, मगर उनके योगदान का सम्मान करता हूं। जेएनयू जैसी जगह में धोती कुर्ता में धज के साथ कोई ठेठ बनारसी ही खड़ा हो सकता है। शायद जेएनयू में ही कोई अपने तरीके से नामवर हो सकता था। नामवर की पीठ और रीढ़ आज भी इसी तरह से तनी हुई है जैसे स्टील की बनी हो। नामवर के पढ़ाए ना जाने कितने छात्र आज पढ़ा रहे हैं। झोला उठाने वाले भी पढ़ा गए और बहुत लोग झोला ही उठाते रह गए। नामवर अपने आप में एक परंपरा है, विवादित भी है और मर्यादित भी है। नामवर के बिना ना तो हिंदी के पास मर्यादा है ना विवाद है। आप दर्शकों में बहुत से लोग सोचेंगे कि प्राइम टाइम में भला ये शख्स क्यों। इसका जवाब सिंपल सा है। जिस शख्स ने हजारों छात्रों की जिंदगी को संवारा, हजारों किताबों से होकर उसकी जिंदगी गुजरी, सैकड़ों शहरों में उसकी बोली गूंजी, प्राइम टाइम पर उसका भी हक बनता है। हमारी क्षमता नहीं कि हम नामवर सिंह के कार्यों की समीक्षा करें, मगर हम उनको आपको उनकी जिंदगी में ले जाना चाहते हैं। हमारे सहयोगी अमितेश दिल्ली के अलकनंदा स्थित शिवालिक अपार्टमेंट गए जहां उनका घर है। 90 पार हो चुके नामवर आज भी अपनी किताबों के बीच रहते हैं। तीन तीन कमरे और बाथरूम तक में किताबें भरी हैं। आप भी देख लीजिए, फिर कभी कोई दूसरा नामवर नहीं होगा। एक एक करके जब उम्र ढलती है तो बिछड़े सभी से बारी बारी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। एक एक करके मित्र जो है ना कि एक एक करके हुए जाते हैं तारे, मध्यम तारे बुझ रहे हैं, मेरे तेरी मंजिल की तरफ मेरे कदम आते हैं। एक अकेलापन महसूस होता जाता है। तो आप यादों में जिएंगे, यादें एक तरह से अपने आप को पुराने जमाने में, पुराने लोगों में को याद करना, और एक गुण है मनुष्य को कि भगवान ने याददाश्त नाम की एक चीज़ दी है, अगर वो न हो तो आदमी पागल हो जाए। सर, पहले आप रोज जाते थे कहीं ना कहीं व्याख्यान देने, तो उसको आजकल कितना मिस करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत मिस करता हूँ। एक तरह से वही मेरा सामाजिक जीवन था जी। मैं कोई अंतर्मुखी आदमी नहीं हूँ, अपने अंदर रहने वाला नहीं हूँ। मैं लोग के बीच रहना चाहता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, तो इसलिए खुले हुए संसार में सौभाग्य से हमको इतना सुंदर देश मिला है जिसको कई बार घूमा हूं मैं। मेरा ख्याल है कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर लोगों ने बुलाया, अपने पैसे से कभी नहीं गया, लोगों ने बुलाया। हवाई यात्रा का टिकट लिया, जहाँ ट्रेन से संभव था वहाँ ट्रेन से दिया। मेरा ख्याल है कि पूरे भारत का भ्रमण मैंने 20-25 बार किया होगा। अरे बाप, कोई कोना नहीं। अंडमान निकोबार से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इधर कश्मीर गया हूँ, और देश के बाहर भी गया हूँ। सारी दुनिया में एक अमेरिका को छोड़कर, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका दोनों को छोड़कर, पूरा यूरोप मैं घूम चुका हूँ कई बार। तो पूरे यूरोप की यात्रा जब रूस समाजवादी था तब, और बल्कि समाजवादी हो जाने के बाद जो रूस हुआ तो उसमें उसके बाद दो ही बार गया हूँ, फिर नहीं गया। पहले का रूस देखा था सोवियत यूनियन से कहते हैं, अब दूसरा देखा है बहुत बदल गया है। तो इसलिए कुछ यात्राएं की है मैंने। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं हमारे हिंदी समाज में, हिंदी की साहित्य की दुनिया में, उसको लोग छोड़ देता है, ऐसा आप भी मानते हैं? देखिए, ये तो सही है कि हमारा समाज अभी थोड़ी सी भारतीयता बची हुई है,
इसलिए अपने बुजुर्गों को, वो पहले बुजुर्गों तो संन्यास ले लेते थे जी, घर छोड़ के चले जाते थे जी। बड़े समझदार थे वो लोग कि अपने घर में सम्मान के साथ रहे, और अब बुढ़ापे में किसी काम के नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में अपमान होगा। ये हम लोगों के यहाँ परंपरा रही है, इसलिए वे लोग जो है वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास ले लेते। अब संन्यास लेने वाले लोग कम हैं, क्योंकि साधुओं का समाज बहुत कम है, कोई साधु संत को पसंद नहीं करता है, तो इसलिए संन्यास लेने का तो कोई मतलब है ही नहीं जी। और मेरे पास कोई काम की कमी नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मरेंगे हम, किताबों पर वर्क होगा कफन अपना, तो हमारी जिंदगी है वो केवल जीना किताबों में और मरना भी किताबों में, इसलिए एक ही जिंदगी का कार्यकलाप बचा है। कि हम कहा कि मेरी पूंजी जो है किताबें हैं, और मेरी लिखी हुई किताबें भी 100 से कम नहीं हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये कहने कि हम लोग गाय करते थे कि मरेंगे हम किताबों पर वर्क होगा कफन अपना, तो एक ही शौक रहा है और तो कोई रहा नहीं। बैठ के नाश्ता करता हूँ, दिनचर्या है, पेपर पढ़ता हूँ, लेटर्स आते हैं तो उनको पढ़ता हूँ, ठीक है बस ये। और मेरी लाइब्रेरी खुद बहुत बड़ी है, अब ये सोचा है कि किसको दे देंगे, किसी को मेरे गुरुदेव आचार्य हरिवंश प्रसाद द्विवेदी ने लाइब्रेरी तीन मूर्ति भवन को दे दिया था। मैंने भी सोचा है कि राय साहब आजकल हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, वही उसके चेयरमैन हैं, तो उनसे मेरी बात हो गई है। यहाँ से मेरे बाद ये पूरी उठा के IGNCA में, हाँ, और वो ले जा करके हमारा एक ब्लॉग बना देंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव आचार्य हरिवंश प्रसाद द्विवेदी, हाँ, इन्होंने भी जब कपिलावाद चयन थी वहाँ, वो सिविल सर्विस के आदमी थी, और वादचयन जी अज्ञे के वो कपिला जो थे वो उनसे समझ, हाँ, तो उन्होंने दे दिया था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि अब किताब मैं बेचूंगा नहीं, रद्दी का माल लोग बेच देंगे, ये लाइब्रेरी किसी के काम आ जाएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की ये पूंजी है, इस पूंजी को मैं गंवाना नहीं चाहता। बनारस में हमारे भाई हैं, हमारा मकान है जी, और भाइयों के परिवार हैं, लेकिन चाहूँगा जरूर कि एक बार हो आऊँ, कह नहीं सकता कि इच्छा पूरी होगी कि नहीं जी। क्योंकि भाई हमारे आ जाते हैं कई बार, तो उन लोगों से तो मुलाकात हो जाती है, उनके परिवार से भी हो जाती है। सर वो बताएंगे, वो आपके साथ प्रभाष जोशी बैठे हुए हैं? हाँ प्रभाष जी हैं सर, वहाँ उस फोटो, ये अल्मोड़े का है, यहाँ तक के फोटोग्राफ्स वगैरह जो लगे हैं जी लोगों ने खींच दिए हैं, खींच के चलते समय पकड़ा दिया है। सर दिखाइए ना चल के, ये देख रहे हैं ना जी जी, इधर हूँ सर। हम गए थे रानीखेत गए थे, और वहाँ अल्मोड़ा होते हुए हम लोगों ने देखा था, तो ये यहाँ का है। प्रभाष जी थे, उनके साथ यात्राएं की थी, तो उन्हीं वही है, उन लोगों ने जब हम चले आए तो मढ़वा करके घर भिजवा दिया। मेरी बेटी है ये छोटी थी उस समय, पढ़ाती है यहाँ दाल से कॉलेज में। अच्छा ये अच्छा समीक्षा मैम है, हाँ। और ये सर JNU की तस्वीर लग रही है, नीचे वाली, हाँ, ये वही अल्मोड़ा, रानी अल्मोड़ा की तस्वीर है, हाँ। ये
आत्मा पहाड़ की है, वो कुमायूं की। अच्छा, ये यहीं बैठे हुए है, यही है। इधर उधर कुछ दे दिया है शिक्षक, चूंकि रखने की हमारे यहाँ जगह नहीं है। सर तो आजकल पान खाते हैं कि नहीं? हाँ, बनारस का हूँ, पान नहीं खाऊंगा। भगवान विश्वनाथ की नगरी का ये शौक है, बनारसी पान मुहावरा है, और मैं तो इसलिए एक ही शौक है, पान जी। और ये बनारस की देन है जी। और ये एक कुटेव कहिए, बुरी आदत, जिसके कारण जाहिर है कि दांत पर असर पड़ता है, तो हुआ है वो टूटा उठा भी है। लेकिन मैंने दांत नया नहीं बनवाया, सारे दांत सर आपके मतलब? बिल्कुल मेरे ही है, मैंने ये काम नहीं किया। नकली दांत बना के जवान दिखना, ये मनुष्यता का अपमान है। उम्र अब 90 के पार है हमारी, जी गया। ये भगवान ही की देन है। अब लोग कहेंगे कि अब आप भगवान को याद कर रहे हैं, आप तो सर किसी जमाने में मतलब कम्युनिस्ट और वो प्रगतिशील मुहावरा है ये। अच्छा, मैं किसी न किसी को तो धन्यवाद लोग कोई मुंह से निकलता है माई गॉड, हाँ निकल जाता है ना जी, जी भगवान जी, तो या खुदा जी मुसलमान कहता है जी, ओ माई गॉड जी कहते हैं ना, बोल पड़ते हैं, तो वो माई गॉड या खुदा, तो हमें हे ईश्वर कहते हैं, तो क्या बुरा हमारा ईश्वर कोई लोगों से कमजोर है, खराब है जी। तो इसलिए हे ईश्वर, देखिए याद जो है ना वो नफा भी है नुकसान भी है। भले है लोग जो नॉस्टैल्जिया कहते हैं अंग्रेजी में, तो लोग पुरानी यादों में जीते हैं, और कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया बीमारी हो जाती है, कुछ बुढ़ों को, दुर्भाग्य से मुझको नहीं है। मैं बहुत पुरानी चीजों को नहीं याद करता, अचानक कोई मौका आया कुछ याद आ गई तो याद आ गई। भगवान की कृपा से मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और पढ़ी हुई किताबें याद है तो ये अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये बहुत अभिशाप भी हो जाता है, आदमी यादों में जीने लगता है और डूबा रहता है, और ये इनएक्टिविटी की ओर ले जाता है। अतीत जीवी होना मनुष्य को आंखें भगवान ने जो दी हैं वो आगे के लिए दी हैं, पीछे नहीं बनाया है। जिसका मतलब भगवान ने उम्मीद लगाई है कि तुम आगे देखो, पीछे इनको देखना है वो देखेंगे तुम्हारे। तो भगवान ही ने जब आंख दी है आगे देखने के लिए, तो हम पीछे काहे को देखें भाई? आजकल लोग सर बहुत पीछे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ पीछे ही हो गया था महाभारत और रामायण काल में। देखिए पीछे देखना जो है वो जिंदगी से भागना है, और मुश्किल ये है कि आप पीछे भाग नहीं सकते। गाड़ी होगी, आप पीछे दौड़ के तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो गाड़ी वोड़ी से जाएंगे,
सहारा लेंगे, तो इसलिए पैर यूँ बनाए गए हैं, पैर पीछे का तो नहीं बनाए गए हैं, जिसका मतलब है कि पैर कि इंसान को आगे जाने के लिए बनाया गया है, ईश्वर ने बनाया है आगे जाने के लिए, तो तुम पीछे क्यों जाते हो भाई, बनाया ही नहीं है पीछे जाने के लिए, तो तुम क्यों पीछे जा रहे हो देख रहे हो, ईश्वर ने ही नहीं बनाया है पीछे जाने के लिए, तो इसलिए आगे जाते हैं, जाने में विश्वास करते हैं, कभी कभी पीछे यूं उलट के जिसे कहते हैं आदमी देख लेता है। पानी लाओ सर आपके लिए। हाँ? पानी पिएंगे आप? हाँ पानी है, आप बताइए ना सर, मैं ले आऊंगा। ये पीछे आपको पीना है पानी सर? आपको थोड़ा सा आधा गिलास। माफ कीजिएगा, ये आप कह रहे थे सर कि पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखें तो आगे हैं, पैर आगे की तरफ है, कभी कभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। है ना, मुड़ मुड़ के ना देख, एक गाना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज पुलवामा में शहीद हुए शामली के जवान अमित कोरी और प्रदीप प्रजापति के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल प्रियंका ने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में वो उनके साथ हैं। राहुल और प्रियंका पहले शहीद अमित के घर पहुंचे और गमजदा परिवार को ढांढस बंधाया। प्रियंका और राहुल ने शहीद की तस्वीर पे फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी 13वीं के मौके पे हुई शोक सभा में भी वो शामिल हुए। कोई भी शक्ति नहीं है जो इस देश को पीछे हटा पाए, ये देश वीरों का देश है और उन्होंने एग्जाम्पल बनकर इस देश को दिखाया है। राहुल प्रियंका शामली के बनट गांव में शहीद प्रदीप के घर भी पहुंचे, शहीद की तस्वीर पे फूल चढ़ा के उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के साथ कुछ वक्त बिता के उनका दुख बांटने की कोशिश की। राहुल प्रियंका दिल्ली से शामली के रास्ते में चाय पीने के लिए एक ढाबे पे रुके। ढाबे पे उन्हें देखने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए जो उनके साथ काफी देर सेल्फी लेते रहे। प्रियंका से मिलने कुछ महिलाएं ढाबे पे पहुंच गईं, जिनसे वो घुल मिल के काफी देर बातें करती रहीं। राहुल और प्रियंका बिना किसी को जानकारी दिए शहीदों के परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े। अगर वो जानकारी दे देते तो शायद वहाँ बहुत ज्यादा मीडिया जमा हो जाता, शायद बहुत भीड़ जमा हो जाती और शहीद के परिवार को परेशानी होती। शामली में दिलशाद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस को फाइनल ऑपरेशंस क्लियरेंस मिल गई है और बहुत जल्द ही भारतीय वायुसेना में 123 तेजस विमानों का बेड़ा होगा। बेंगलुरु में हो रहे एयर शो में तेजस ने भी अपने जलवे दिखाए, लेकिन शुरुआत हुई मंगलवार को हादसे में मारे गए सूर्यकरण टीम के पायलट विंग कमांडर साहिल गांधी को श्रद्धांजलि देकर। हमारे संवाददाता निहाल खितवई की खास रिपोर्ट। मिसिंग पर्सन फॉर्मेशन
ये तरीका है अपने किसी सहयोगी को श्रद्धांजलि और सम्मान देने का। मंगलवार को अभ्यास के दौरान सूर्य किरण टीम के दो प्लेन एक दूसरे से टकराकर हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक बेहद अनुभवी पायलट विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत हो गई। विंग कमांडर साहिल गांधी को सम्मान देने के लिए ही 12वें एयर शो की शुरुआत मिसिंग मैन फॉर्मेशन के साथ हुई। इसमें जैगुआ, तेजस और सुखोई ने एक साथ फॉर्मेशन किया। विंग कमांडर साहिल गांधी के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। दिवंगत जाबाज को श्रद्धांजलि देने एयर शो में पहली बार उड़ान भर रहे रफाल ने रक्षा मंत्री के सामने धीमी गति से उड़ान भरी। पायलट ने विमान के अंदर से कहा कि नमस्ते इंडिया। विंग कमांडर साहिल गांधी को ट्रिब्यूट देते हुए अब मैं मंच के ऊपर से धीमी गति से उड़ान भरूंगा। लेकिन इस बार के एयर शो की सबसे खास बात रही भारत में बने तेजस का फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलना, और उम्मीद है जल्द ही 123 तेजस की फ्लीट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगी। जो जहाज है अभी फुल्ली इक्विप्ड है, वो एयर टू एयर रिफिलिंग भी कर सकता है और बहुत सारे वेपन्स भी डाल सकता है। एंड एज अ वेपन प्लेटफॉर्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज इंडियन एयरफोर्स के लिए है। तेजस प्रोजेक्ट 1980 में शुरू हुआ था और करीब 20 साल बाद 2001 में इस विमान ने पहली उड़ान भरी। 2015 में पहली बार इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला और अगले साल इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। मल्टी मोड रडार और वेपन सिस्टम इसकी खूबियां हैं। ये चौथे जनरेशन का हवाई जहाज है और 4 जनरेशन में उसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पोजिट टेक्नोलॉजी लगी है। उसमें एडवांस डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, उसमें ग्लास कॉकपिट है और उसमें बढ़िया सा वेपनाइजेशन डिजिटल कंट्रोल वेपनाइज सिस्टम है। इसके लिए बहुत ही चौथे जनरेशन और चार एंड हाफ जनरेशन का भी बोला जा सकता है। ये इसकी अगर तुलना रफाल से की जाए तो कहाँ आएगा ये रफाल से? अगर डॉग फाइट हो रफाल और तेजस में तो आपको क्या लगता है, तेजस आगे निकलेगा या रफाल? नहीं, दोनों एयरक्राफ्ट का वेपन लोडिंग कैपेसिटी अलग है। रफाल को मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बोलते, तेजस को लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बोलते, बट ये लाइट कॉम्पैक्ट होके भी उसकी जो टेक्नोलॉजीज है दे आर ऑल कंपेरेबल टू द रफाल। तो तुलना की जाए तो दुनिया में अव्वल दर्जे का प्लेन माना जाएगा? या ये तुलना किए जाए तो दुनिया में नंबर 1 प्लेन माना जाएगा। तेजस शॉर्ट रेंज मिसाइल को भी आसानी से हवा से जमीन पर दाग सकता है। एक तेजस को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 12 टन वजन का तेजस करीब 13 मीटर लंबा है। तेजस के बाद भारत के एक और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH ने अपनी काबिलियत का परिचय दिया। भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2006 में LCH प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जो अब वायुसेना और थल सेना का हिस्सा है। सेना के तीनों अंगों के ध्वज को लहराते आए हेलीकॉप्टर्स के फ्लाई पास्ट से एयरो इंडिया 2019 का आगाज हुआ। एयर शो के उद्घाटन सत्र में 1930 और 40 के दशक में मालवाहक के तौर पर धाक जमा चुके डकोटा ने भी उड़ान भरी, जो 1947 से 1971 तक लॉजिस्टिक्स के हिसाब से वायुसेना का सबसे भरोसेमंद साथी रहा था। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में बने हेलीकॉप्टर ने भीम और धनुष फॉर्मेशन में लोगों की वाहवाही लूटी। स्वदेशी रुद्र और ध्रुव की ताकत भी यहां देखने को मिली। HTT-40 ने भी अपनी क्षमता का परिचय दिया। राष्ट्रीय पक्षी मोर के नाम पर रखे गए सारंग हेलीकॉप्टर ने भी लोगों का दिल मोह लिया। मूर्ति डिजाइन में बनी सारंग की टीम एरोबैटिक्स दिखाने वाली दुनिया की इकलौती टीम है, जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। इसके बाद सारस एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का बना सारस भारत का पहला स्वदेशी मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। 19 सीटों वाले सारस की
अधिकतम गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बिना रुके 800 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसके बाद बारी थी हल्के लड़ाकू विमानों के हवाई करतब की, सुखोई 30 MKI। मल्टी रोल वाला ये फाइटर एयरक्राफ्ट हर मौसम में दिन रात अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसमें लगे इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और GPS के जरिए मिसाइल को लक्ष्य पर दागना बेहद आसान है। हल्के लड़ाकू विमानों को लेकर भारत ने भले ही फिलहाल फ्रांस के रफेल को पसंद कर लिया हो, लेकिन अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के F-16 लड़ाकू जहाज ने भी हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोहा मनवाया। जाहिर है, भारत की जरूरतों को देखते हुए F-16 ने फिलहाल उम्मीद नहीं छोड़ी है। भले ही राफेल की चर्चा हर जगह हो रही हो, लेकिन आज का दिन अहम है, क्योंकि देसी सोच और देसी तकनीक से तैयार तेजस को वायुसेना ने पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर अपनाने का फैसला किया है, इसकी मारक क्षमता और दूसरी विशेषताओं की वजह से। यलहंका एयरफोर्स बेस बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।